गाइस कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे। आज हम आए हुए हैं एक शोरूम। आज हम आपको जुपिटर गाड़ी का रिव्यू देंगे, जुपिटर ZX। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, काफ़ी बढ़िया है, रोमांचक गाड़ी, लोगों को काफ़ी पसंद आती है, तो अब चलिए अंदर की ओर। नॉनी सर, थैंक यू। हाँ जी, नॉनी सर ने हमारा वेलकम किया। चलिए सर, गुड नेम? नीलेश कुमार सोनी। सर, हम लोग रिव्यू देते हैं बाइक्स का, तो आज आपकी जो स्कूटी है ZX जुपिटर करके, उसकी हमें सारी जानकारी इंफॉर्मेशन, चलिए आप बताइए। बिल्कुल, ये हमारा मॉडल देख सकते हैं आप, कैमरामैन काफ़ी अच्छे से आप देख लीजिए सारे। जुपिटर का ZX मॉडल है, वेरिएंट आते हैं, बेस मॉडल आता है, जुपिटर ZX आता है और इसमें जुपिटर क्लासिक भी आती है। तो जुपिटर का ये ZX मॉडल ठीक है, और इसमें इंजन जो है वो 110cc का इंजन है और ETFI टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको 15% माइलेज अच्छा मिलेगा, दूसरे स्कूटर्स की अपेक्षा इसमें एवरेज सबसे अच्छा रहता है ठीक है सर। और यहाँ का इसका जुपिटर ZX नाम है सर, 110cc का इंजन होता है, इसमें ETFI टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको 15% एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा। अगर स्कूटर से ये ज़्यादा माइलेज निकालती है, जिसमें आपको माइलेज अच्छा होने से वैसे ही अपना इस समय पे पेट्रोल का रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, तो लोग स्कूटर्स यूज करते हैं, घर में बच्चियों के हिसाब से गाड़ियाँ लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, तो माइलेज कम मिलता है, तो इसमें आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। और सर, इसके फीचर्स के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ कैमरामैन आप थोड़ा सामने से आए, आपको इसके सारे फीचर्स दिखाएंगे सर, बताएंगे हमें। यहाँ पे सर अपन देखें तो इसमें LED लाइट है, जिससे लाइट तेज रहता है, TVS की सभी गाड़ियों में लाइट तेज रहता है, इसमें काफ़ी अच्छा लाइट रहेगा और LED रहता है सर। और यहाँ पे अपन देखें मेटल बॉडी है, यहाँ पे फाइबर बॉडी है, तो यहाँ फाइबर बॉडी होने से क्या होता है सर कि गाड़ी में वेट जो होता है, वजन, वो लाइट वेट रहता है, ज़्यादा भारी नहीं हो पाती। और यहाँ मेटल इसलिए दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर सामने से लगती है तो मेटल टूटने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ टूटेगा नहीं। यहाँ ये फाइबर इसलिए दिया है कि वजन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन दूसरी गाड़ियों में क्या है, पूरा वजन देता है, इससे गाड़ी दब के चलती है, तो वेट माइलेज में अंतर आता है। यहाँ अपन टायर की बात करें तो ट्यूबलेस टायर हैं सर, TVS के ही टायर आ रहे हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, 90-90 12 साइज रहता है, और इसमें जो इंच है अलॉय व्हील है वो 12 इंच साइज का अलॉय व्हील है ना। अलॉय व्हील होने से सर एक तो गाड़ी में लुक अच्छा हो जाता है, दूसरी चीज़ ईयर कटिंग के लिए, जैसे ईयर कटती है तो गाड़ी हल्की चलती है, गाड़ी दब के नहीं चलती ठीक है। और यहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जो आप टॉपअप देख रहे हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये दोनों जैसे बाइकों में होते हैं वैसे इसमें भी दिए हुए हैं, तो दोनों साइड सब टॉपअप होने से आपको कम्फर्ट मैसेज होगा। गड्ढे वाली रोडों पे आप गाड़ियाँ चला रहे हो तो कम्फर्ट लगेगी सर। यहाँ पे अपन देखें SBT सिस्टम दिया है ठीक है सर, इससे क्या होता है सर कि अगला ब्रेक अपन लगाएंगे तो हल्का सा पिछला भी लगेगा, और पिछला लगाएंगे तो हल्का सा अगला भी लगेगा, ये ब्रेक तो डबल सिस्टम है, जिससे क्या है सर अपन कभी कभी क्या होता है कि कई लोग एक ही ब्रेक यूज कर लेते हैं तो गाड़ी स्टेट हो जाती है, गिरने का डर होता है, तो इससे सेफ्टी बढ़ जाती है कि अपन अगला ब्रेक लगाएंगे तो पिछला भी लगेगा, पिछला लगाएंगे तो अगला भी लगेगा, जिससे गाड़ी स्लिप होकर गिरने की संभावना कम हो जाती है, तो एक सेफ्टी फीचर सर। यहाँ पे अपन देखें सर, इसमें डिजिटल मीटर दिया हुआ है, ZX मॉडल में डिजिटल मीटर, इसमें आपको पेट्रोल के लिए बताएगा, यहाँ पे घड़ी भी बता रहा है, यहाँ किलोमीटर बताएगा और रीडिंग बताएगा सर ठीक है। यहाँ जो मलफंक्शन दिया हुआ है, इससे सर जैसे कोई गाड़ी में इलेक्ट्रिक कोई प्रॉब्लम होती है तो ये यहाँ पे अपन को क्लिप करके बताएगा, जिससे अपन को पता चलेगा कोई समस्या है। यहाँ फ्यूल मीटर के लिए बताया हुआ है कि फ्यूल अगर गाड़ी में कम हो जाता है तो फ्यूल अगर कम होता है तो यहाँ पे अपन को इंडिकेट होगा, तो पता चलेगा कि पेट्रोल अपन को डलाना है, पूरा गाड़ी खड़ी नहीं हो पाएगी। यहाँ इको मोड और पावर मोड दिया हुआ है, जिससे क्या है जैसे अपन ग्रीन लाइट के हिसाब से चला रहे हैं, जो ग्रीन लाइट पर अगर आप चलाएंगे गाड़ी तो माइलेज आपका बेटर आ रहा है। यहाँ पावर मोड पे आएगी गाड़ी तो आपको पिकअप अच्छा मिलेगा, मतलब पावर ज़्यादा मिलेगी ठीक है सर। यहाँ पे अपन
जो मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया हुआ है, मोबाइल चार्जर लगा है, मोबाइल चार्ज करने के लिए पॉइंट है सर। यहाँ अपना बैग पर्स टांगने के लिए हुक दी हुई है, यहाँ पे भी बैग पर्स टांगने के लिए हुक दी हुई है सर। दो सुविधाएँ हैं जिससे आप ज़्यादा सामान कैरी कर सकें। यहाँ अपना जो फुट बोर्ड है वो 356 mm का है, जिससे क्या आप गैस सिलेंडर वगैरह भी अगर कई लोग रखना चाहते हैं तो रख जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप इसमें यूज कर सकते हो। यहाँ जो इनर पॉकेट दिया हुआ है, इससे आप पानी बॉटल, छोटी वाली जो पानी बॉटल है आप रख सकते हो, कभी कभी बात करते हुए मोबाइल भी आप इसमें डाल सकते हो, जेब में नहीं रख पा रहे हो तो, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ अपना हाई बीम फ्लो बीम के लिए दिया हुआ है, इसमें अपन इसी से पासिंग लाइट भी है और अपर डिपर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक को जैसे अपन गाड़ी खड़ी करते हैं, कहीं गाड़ी खड़ी करने पर अपन यहाँ पे इसको ब्रेक लगा देते हैं, लॉक लॉक कर देते हैं, जिससे गाड़ी से कभी गिर जाती है तो वो नहीं हो पाएगी और इसको खोल सकते हैं आसानी से। कार जैसे इसमें सुविधा दे दी है हैंड ब्रेक जैसे। जी यहाँ पे आप सीट देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी है इसमें और कंफर्टेबल है। यहाँ पे अपन जो सीट की डिज़ाइन देख रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है कोई लेडीज़ चलाती हैं, आपका माइक के लोग भी चलाते हैं, उनके पैर बैठने पर पैर जमीन पर आराम से लग जाते हैं, ठीक है। क्या कोई बार किसी गाड़ी में थोड़ी सी चौड़ी सीट होती है जिससे बैठने में एक समस्या होती है, लेकिन उसमें कंफर्टेबल सीटिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे डिक्की देख लेते हैं इसकी, यही यहाँ से ही अपना ये डिक्की खोलने की सुविधा है, खोलने की सुविधा है, पेट्रोल लगाने के लिए। यहाँ से आप देखिए पेट्रोल टंकी कितने लीटर की सर, इसका टैंक टंकी का इसमें सर 6 लीटर की रहती है जी। पेट्रोल बाहर के बाहर डला सकते हैं, कहीं आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हुए हो तो पेट्रोल डलाना है तो अपन को नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, सीधे बैठे बैठे ही इसको आप ओपन कर सकते हो, पेट्रोल डलने के बाद बंद। काफ़ी स्पीडों में देखा जाता है कि पहले सीट खोलनी पड़ती है, सीट खोलना पड़ता है फैमिली को उतरना, या कोई सामान ऐसा रखा है जिससे आपको दिखाना नहीं है तो सीट खोलने पे सारा कुछ दिखता है, इसलिए इसको बाहर के काफ़ी कंफर्टेबल सिस्टम है, ठीक है। इसकी सीट डिक्की और देख लेते हैं हम।